नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है 56 Tutorials for Physics by इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एक पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स होता क्या है कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट, मतलब कि चार्जेस कहाँ पे हैं, रेस्ट पे हैं। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का लैटिन में मतलब होता है टू फ्लो का मतलब होता है बहना। टू फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। हम जानते क्या बहना, टू फ्लो मतलब होता है क्या? बहना। तो अब यहाँ पे फ्लक्स का मतलब जो होता है, फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी, फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड वेक्टर। फील्ड वेक्टर मतलब हो गया जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और आपका क्या है, आपका वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये हो गया हमारा क्या कि फ्लक्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। इट मीजर द फ्लो ऑफ फील्ड वेक्टर। लाइक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, फ्लो थ्रू अ गिवन एरिया। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फ्लक्स। हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वॉच किया 90% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब का फायदा ये मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ओके, तो फ्लक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही है स्ट्रेट लाइन में। क्या हो रहा? रेन ड्रॉप्स सब इक्विडिस्टेंस हैं, पैरेलल इक्विडिस्टेंस है रेन ड्रॉप। इस तरीके से ये रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही है, मतलब बरसात हो रही है। ओके, ये जो बरसात इस तरीके से हो रही है, मान लेते हैं ये बरसात नीचे डाउन स्ट्रेट डाउन हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम कोई पॉट इस तरीके से रखते हैं, क्या रखते हैं, कोई पॉट इस तरीके से रखते हैं, तो इसमें कितना पानी आएगा? फ्लक्स मतलब होता है बहना, और वो मीजर क्या करता है कि किसी गिवन एरिया से जो फील्ड वेक्टर है वो कितना फ्लो हुआ। तो मतलब यहाँ पे ये जो रेन ड्रॉप फॉलिंग हो रही है स्ट्रेट, इस बकेट में आ रही है। क्या हो रही? बकेट में आ रही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बकेट में एंटर नहीं की है उससे पहले यहाँ ऊपर इसके पास डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है, जबकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। फ्लक्स क्या है? क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? क्वांटिटी है। यहाँ जो फ्लक्स मिला वो वाटर का मिला। किसका मिला? वाटर का मिला। ये डिपेंड किस पे कर रहा? पहली चीज, जो इस वाटर का फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है, अगर ये फील्ड लाइन्स जो है, ये वाटर की जो फील्ड लाइन्स आ रहे हैं, ये जो वाटर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। इंटेंसिटी का मतलब, पहले नल स्लो खुला था, फिर और तेज, फिर एकदम फुल स्पीड में, तो वो ग्लास जल्दी भर जाएगा। दूसरा, एरिया बढ़ा दिया जाए, अगर इसको पूरे को कवर करने के लिए इतना बड़ा एरिया लगा दिया जाए। तो एक चीज समझ में आ गई, ये फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा? पहली चीज की इंटेंसिटी, क्या चीज? इंटेंसिटी। और दूसरा, वो बकेट जो यूज किया है, यानी वो एरिया, वो जो एरिया है उसका, फेस का एरिया, यानी ओपनिंग। ओके, तो एक काम करते हैं, एक हम यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है हमको, जैसे मान लिया कि एक स्केल है, उसको रब किया। रब करने से उसका वो एंड क्या होता है? चार्ज हो जाता है, मतलब उससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज से चारों तरफ निकलती हैं। तो अगर हम इसे स्केलर की तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक सरफेस ले, मतलब एक सर्किल ले, और उस चार्ज के पास लेकर आए, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस, मान लेते हैं एक चार्ज क्या कर रहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना रहा कितनी, 10। कितनी फील्ड लाइंस बना रहा? 10। और वो जो गोल सा एरिया लिया है उसमें कितनी आ रही है? ये हो गया प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड, इससे फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल रही हैं। तो
तो अब मैं इसको गिनूंगा नहीं, ओके अब मैं इसको गिनने नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे अगर मान लिया एक एरिया यहां पे अज्यूम करें, तो इस एरिया में सिर्फ तीन लाइन आई, कितनी आई, तीन लाइन आई। तो ये तीन लाइन जो है ये इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। ये तीन लाइन इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। एक चीज ध्यान रखिए, जो रेन ड्रॉप हो रही थी जब आपने अपना बकेट रखा था, तो वो सरफेस पे रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, और जो आपकी बकेट का सरफेस है, जो आपकी बकेट का सरफेस है, या कोई डब्बा लिया या कोई बॉक्स लिया, उसका जो सरफेस है उसके वो परपेंडिकुलर है। मतलब तीन चीज याद रखनी होगी फ्लक्स के केस में, एक नॉर्मल आएगा पहली चीज, दूसरा उसका एरिया, तीसरा इंटेंसिटी, या आप इसको घुमा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये चीज क्लियर हुई कि यहां पे जितनी फील्ड लाइन्स ये कवर करेगा, वो एरिया उस एरिया से लिंक होगा जितना, या कनेक्ट होगी फील्ड लाइन्स, वही उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा उस एरिया का। इज दैट क्लियर। हम पहले ये पढ़ चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये किस पे डिपेंड करती है, छोटा चार्ज है तो कम, बड़ा चार्ज है तो ज्यादा, मतलब साइज ज्यादा होगा, क्या होगा, साइज ज्यादा होगा उस चार्ज का, या नंबर ऑफ चार्जेस, ओके नंबर ऑफ चार्जेस। तो अब हम यहां से फ्लक्स की डिफिनीशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन लिखेंगे, क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली, कैसे, नॉर्मली पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ द सरफेस। उस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक किया है, या बहुत सी बुक इसको ऐसी भी लिखती है क्या, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली पेनिट्रेटिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो आपका फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, इसमें तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं, एरिया ऑफ ओपनिंग जिसमें से वो फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ठीक, और दूसरा कि इंटेंसिटी कैसी है, तीसरा हमने उसको नॉर्मल रखा है या एंगल बनाता हुआ रखा है, फील्ड दोनों ही केस में क्या है, यूनिफॉर्म। तो अब देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ये इस तरीके से एक सरफेस है, मैं इस पे फील्ड लाइंस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द फील्ड लाइंस, ये कैसी हैं, नॉर्मल हैं इसके, ओके गाइस। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो लाइक दिस, मतलब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, तो ये कैसी हैं, नॉर्मल। तो मान लेते हैं इनका जो ये फील्ड लाइंस हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या है, ई है, क्या है, ई, और सरफेस एरिया क्या है, ए है, सरफेस एरिया क्या है, ए है। तो जो फ्लक्स लिंक करेगा सरफेस से, जो फ्लक्स लिंक करेगा सरफेस से, उसे कैसे लिखेंगे, फ्लक्स लिंक जो करेगा सरफेस से वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया, क्या होगा, सरफेस एरिया। तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, किससे करते हैं, फाई से, यहां ई लगा दीजिए तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, किसका फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये हो गया इंटेंसिटी ई, और ये हो गया क्या, एरिया ए। लेकिन बहुत सी बुक में इस एरिया को उन लोगों ने एस लिखा हुआ है, E डॉट S, तो S यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया जिससे वो फ्लक्स लिंक कर रहा, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होती है, क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब एक चीज देखिए कि इसको मैं दूसरी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, बड़ी मजेदार चीज है, इसको समझिएगा, ये जो सरफेस है इसको मैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये एरिया है, क्या है, एरिया है। अभी ये कितनी लाइंस कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जब नॉर्मल है तो ये मैक्सिमम कवर कर रहा, क्या कर रहा, नॉर्मल। लेकिन अब इसी को
इसी को क्या करते हैं, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, क्या करते हैं घुमा देते हैं ऐसे, पहले से इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये कितना हो गया थीटा। तो अब क्या होगा, अब फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा, पहले इतनी आ रही थी अब यहां से कम हो जाएगा, इसको ऐसे मिला दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये थीटा तो क्या हुआ, ये थीटा, ये ए हो गया आपका, एरिया चेंज हो गया यहाँ पे, ये थीटा तो ये क्या हो गया ए कॉस थीटा, मतलब जब एरिया जो है वो फील्ड के साथ नॉर्मल ना हो थीटा एंगल बनाए, पहले ये नॉर्मल था अब कितना एंगल बना रहा थीटा, तो उस केस में जो हम फ्लक्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फ्लक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया है ए कॉस थीटा, सरफेस एरिया क्या है ए कॉस थीटा। ओके ये चीज समझ में आई, ये दोनों ही चीजें यूनिफॉर्म के लिए हैं, नॉन यूनिफॉर्म को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ यूनिफॉर्म की बात करेंगे और इसके यूनिट की बात करेंगे कि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि बोर्ड का पेपर दें, इस बार कैंसिल हो गया ना, अगली बार तो होगा। ओके तो ये हो गया ई डॉट ए कॉस थीटा, कब, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ई एंड ए, थीटा क्या है नोट डाउन, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ई एंड ए, और ये कब होगा, जब नॉर्मल होगा ई, ये नॉर्मल होगा इस सरफेस के, इज दैट क्लियर। एक चीज और यहां पे कि फ्लक्स के केस में दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, पहला इंटेंसिटी और दूसरा का वो एरिया जिससे वो जुड़ा हुआ है, मतलब लिंक है, आया समझ में कि नहीं, जिससे वो क्या है लिंक है, इज दैट क्लियर। अब बात करें इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यूनिट देखिए, यूनिट मजेदार चीज है, कैसे फॉर्मूला पता हो तो यूनिट निकालना बहुत आसान होता है, और अगर यूनिट नहीं जानोगे तो न्यूमेरिकल में उनका यूनिट ही दिया होता है कि इतना फ्लक्स है जो इस सरफेस से पास हो रहा, तो वहां सिर्फ क्वांटिटी होती है। अक्सर आप कहते हो मान लिया कि, चलिए मानेंगे बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, यूनिट हमारा जो है वो क्या होगा, यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की जो यूनिट होगी, ई की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फोर्स पर यूनिट चार्ज जो था उसकी यूनिट है, यहां हम लोगों ने देखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया वो इंटेंसिटी है, तो ये क्या हो गया न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा यहां पे, ये डैश नहीं है, ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर माइनस वन। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, देखिए जो हमारा E की यूनिट होती है, जो हमारा न्यूटन पर कूलम होता है, ये इक्वल होता है किसके, वोल्ट पर मीटर के, किसके इक्वल होता है वोल्ट पर मीटर के, ये याद रखिएगा आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये हो गया, देखिए दिस बिकम E इक्वल्स टू वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, दिस बिकम कैंसिल, तो ये कितना आ गया वोल्ट मीटर, अगेन भैया माइनस नहीं है डैश है, तो ये हो गया इसकी यूनिट। हम न्यूमेरिकल में इसको इसी तरीके से पहचानेंगे कि फलाने फ्लक्स इतना दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का। ओके अब बात करें डायमेंशन की, तो इसे इरेज कर देता हूं, देखिए डायमेंशन निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, आपको फॉर्मूला पता है, आपको यूनिट पता है, न्यूटन किसकी यूनिट है, वैसे डायमेंशन में 11 क्लास में आपने पढ़ा है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी के पावर माइनस टू, कूलम मतलब होता है चार्ज, तो क्यू की यूनिट डायमेंशन होता है ए टी, क्या होता है ए इंटू टी, ए एम्पियर करेंट और टी टाइम है, तो यहां पे लिखेंगे क्या ए टी, और मीटर मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं एम एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस थ्री
ए के पावर माइनस वन। कभी कभी क्या अक्सर कई सेट बनते हैं बोर्ड पेपर के, तो उसमें जैसे अक्सर पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म फ्लक्स लिंक विद अ सरफेस, कि उसी को इस तरीके से पूछा जाता है। मेनली क्या करना है, दो नंबर का क्वेश्चन आता है और एक गॉस की थ्योरम को प्रूफ करने का आता है, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और किसी भी डायमेंशन निकालने के लिए सबसे जरूरी सिर्फ दो चीजें हैं, फॉर्मूला हो उससे यूनिट बनाइए और यूनिट से डायमेंशन निकालिए, यूनिट से क्या करिए डायमेंशन निकालिए। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट ऑफ फ्लक्स। और ये अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, सबसे पहली बात जो हमारा फाई है, ई डॉट ए कॉस थीटा या फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा, तो ये ई हो गया, ये ई हो गया। तो एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाए, अगर ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज करेंगे तो भी फ्लक्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा है, याद है वो परपेंडिकुलर था, एंगल घुमा तो क्या हो गया चेंज, तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। आपको याद होगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो होती है। तो हमारा फ्लक्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, देखिए नोट करिए बोलते समय, उसमें मैं डेफिनेशन भी बताता हूं। सेकेंड, हमने ये देखा कि फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है भाई। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भैया, स्केलर है, जो इकट्ठा हो गया ना उसमें डायरेक्शन नहीं है। वो जो ऊपर से आ रहा था पानी गिलास में आपके, उसी में डायरेक्शन था, जो गिलास में आ गया ना उसमें डायरेक्शन नहीं है। अब इज दैट क्लियर, उसमें डायरेक्शन नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, मान लेते हैं कि एक कोई सरफेस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स है, क्या है, एक का नाम फाई, पहले का नाम फाई ई वन है, दूसरे का नाम है फाई ई टू, दूसरे का नाम है फाई ई टू, तीसरे का नाम है फाई ई थ्री, ऐसे ढेर सारे हैं। तो भैया होल फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इन सबका अलजेब्रिक सम होगा। स्केलर क्वांटिटी में अलजेब्रिक मेथड यूज होता है, तो ये क्या होगा, इसका अलजेब्रिक सम। तो होल फ्लक्स या टोटल फ्लक्स जो आएगा वो फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, दिस, क्यों अलजेब्रिक सम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, स्केलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। मैंने आपसे बताया था ना कि लगभग 96% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो वॉच कर रहे हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको फ्लक्स समझ में आया है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इस पार्ट फर्स्ट को शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देखिए एनसीईआरटी में फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसी में गॉस थ्योरम भी है। जब आप रिफ्रेशर पढ़ोगे अलग अलग राइटर की, जो आपके स्कूल क्लासेस में रिफ्रेशर चलती है, तो उन रिफ्रेशर में अलग अलग चैप्टर करके दिया, तो जो अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें ये पहला ही यूनिट है, ठीक है, और अगर रिफ्रेशर उठाओगे तो इसमें ये दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल समझ में आ गया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली पेनिट्रेटिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, मान लीजिए कि
मान लिया कि ये जो हमारा फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में है और सरफेस एरिया को भी हम इसी डायरेक्शन में रख दें, तो अब क्या इसमें पानी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब इसमें फ्लक्स आएगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा। इस केस में क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा। मिलते हैं पार्ट सेकेंड में।